नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फीएसटी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, बिहार 11 बहाली 2023, बिहार 11 वैकेंसी अपडेट। वैकेंसी के लिए अभ्यर्थियों ने किया आंदोलन, छात्रों में बहुत आक्रोश है, आखिर वैकेंसी कब तक आएगी देख लीजिए। दोस्तों मंडे को बिहार 11 एसोसिएशन के द्वारा 11 की बहाली को निकाला मार्च। तो दोस्तों इस वीडियो में बिहार 11 वैकेंसी की रिगार्डिंग सारी जानकारी देने वाले हैं। आखिर बिहार 11 की वैकेंसी कब निकल के आ रही है और कितने पदों पर निकल के आ रही है, सरकार क्या बोल रही है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बता रहे हैं। जो कल बिहार 11 बहाली के रिगार्डिंग जो कैंडल मार्च निकाला गया था, जो जुलूस निकाला गया था, क्या अपडेट निकल के आई है इस वीडियो में बता रहे हैं, वीडियो में बने रहिए। जो कि आज के पेपर में दिया हुआ है, अगर आप न्यूज़पेपर देखते हैं तो देख लीजिए, 11 की बहाली को निकाला मार्च, देख लीजिए। ऑल बिहार ट्रेड 11 एसोसिएशन पटना विश्वविद्यालय की कमेटी की ओर से सोमवार को शिक्षा विभाग के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला गया। एसोसिएशन के मुताबिक बिहार में 12 वर्ष से 11 की बहाली नहीं हुई है, हजारों छात्र लाइब्रेरी साइंस की डिग्री लेकर बहाली का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग टाल मटोल कर बहाली को लंबा खींच रहा है। शिक्षा विभाग ने बताया था कि जून के प्रथम सप्ताह में बहाली से संबंधित नई नियमावली जारी कर दी जाएगी, पर जून समाप्ति की ओर है, अभी तक इसे जारी नहीं किया गया है। इसे छात्रों में काफ़ी आक्रोश है। तो दोस्तों देख लीजिए, कल शिक्षा विभाग के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला गया था, देख लीजिए, और मीडिया संबंधी से ही बातचीत किया गया था। शिक्षा विभाग पहले ही और शिक्षा विभाग जो है बताया था, और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर भी बताए थे, जो जून के प्रथम सप्ताह में नियमावली आपको देखने को मिलेगा बिहार 11 के बारे में, जो कि हम लोग जून के लास्ट सप्ताह में है और अभी तक 11 का नियमावली जारी नहीं किया गया, इसीलिए देख लीजिए आक्रोश मार्च निकाला गया था। इसके बाद देख लीजिए क्या प्रभाव पड़ता है शिक्षा विभाग पर और शिक्षा मंत्री पर, क्या जून के लास्ट तक नियमावली जारी होता है या जुलाई में नियमावली जारी होता है, क्या अपडेट निकल के आएगी, तो फिर से हम आपको अपडेट कर देंगे। अभी जो अपडेट निकल के आई है हम आपके बीच बता दिए हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बिहार 11 बहाली के रिगार्डिंग पर्पल का अपडेट चैनल पर हम देते रहते हैं। थैंक यू।